आइए देखते हैं कि इनके इल्जामात क्या हैं। इनका पहला इल्जाम है कि जाकिर नायक दूसरे धार्मिक स्थलों को तोड़ने की बात करते हैं। हम आपको इनकी वीडियो दिखाते हैं। जाकिर का इस्लाम के नाम पर दूसरे धार्मिक स्थलों को तोड़ने की बात कहना। जाकिर नाइक कहता है कि सऊदी अरब इस्लामिक राष्ट्र है, वहां दूसरे धार्मिक स्थलों को नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अगर भारत जैसे सभी देशों को मानने वाले देश में कोई इस तरह के इस्लामीकरण की बात करे तो क्या होगा भारत जैसे अमन शांति वाले देश का। इतिहास इस बात पर गवाह है कि लोगों को धर्म के नाम पर अगर उकसाया जाए तो फिर उनसे कुछ भी काम करवाया जा सकता है। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे भारत देश के अंदर कई असामाजिक तत्वों ने, वो सियासी लीडर्स ने इसका बहुत नाजायज फायदा उठाया है। हर इंसान की फीलिंग उसके धर्म के साथ बहुत गहरी जुड़ी हुई रहती है। इसी में अगर कोई इंसान किसी के धार्मिक स्थलों को तोड़ने की बात कह दे तो बहुत बड़ा फसाद खड़ा हो सकता है। लेकिन आज तक जाकिर नायक दूसरे धार्मिक स्थलों को तोड़ने की बात कहते हैं, इस बुनियाद पर कहीं पर भी फसाद बरपा हुआ नहीं। आइए सुनते हैं जाकिर नायक कहते क्या हैं। जो हालात हो रहे हैं, कोई भी मजहबी, चाहे टेंपल हो, चाहे चर्च हो, चाहे मस्जिद हो, कुरान में लिखा है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। कोई भी कुरान की आयत है, डू नॉट डिस्ट्रॉय टेंपल्स, चर्चेस, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, गलत है। तो कुरान में भी लिखा है, तो कोई भी शख्स ये करता है टेंपल या मस्जिद या मोनेस्ट्रीज या सिनेगॉग्स को तोड़ता है तो ये इंसानियत के खिलाफ है और कुरान मजीद के खिलाफ भी। अब फैसला आप करें कि सच क्या है और झूठ क्या है, और ऐसे असामाजिक तत्वों को पहचानें जो धर्म का सहारा लेकर झूठ फैलाकर समाज की शांति को बिगाड़ना चाहते हैं।